मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करता हूं, राहुल जी, सोनिया जी या पूरा कांग्रेस, गांधी परिवार मेरा टॉपिक है, क्योंकि मेरे फादर 1975 में इमरजेंसी में सैक कर दिए गए, उनकी जिंदगी में नौकरी नहीं लगी। कांग्रेस के प्रति इतना विद्रोह या ये चीज जो है मेरे मन में है बचपन से है, क्योंकि मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सभी देशद्रोही के परिवार के माने जाते हैं। आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है। थल सेना अध्यक्ष वर्दी में कहा जाता है कि किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज सारे अखबारों में थल सेना अध्यक्ष का फोटो छपा है और अपनी मां को पैर छू के वर्दी में प्रणाम कर रहा है। तेत्रो उपनिषद का एक श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धा पसे बिना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपसे जो भी बड़े आदमी हैं पद की मर्यादा की कभी परवाह नहीं करिए। अभी पार्लियामेंट खत्म हुआ, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हुआ मैं बाहर गाड़ी का वेट कर रहा था। मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करता हूं, राहुल जी, सोनिया जी या पूरा कांग्रेस, गांधी परिवार मेरा टॉपिक है, क्योंकि मेरे फादर 1975 में इमरजेंसी में सैक कर दिए गए, उनकी जिंदगी में नौकरी नहीं लगी। 19 महीने मेरे परिवार के लोग इमरजेंसी में बंद रहे, इसलिए कांग्रेस के प्रति इतना विद्रोह या ये चीज जो है मेरे मन में है बचपन से है, क्योंकि मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सभी देशद्रोही के परिवार के माने जाते हैं। सोनिया जी आई, सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा सबके सामने, क्योंकि सबके सामने पब्लिक में एक काम हुआ इसलिए मैं पब्लिक में बात कर रहा हूं, और उन्होंने मुझे कहा कि निशिकांत आज मेरी तबीयत खराब थी लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट आना चाहिए। मैंने प्रणाम किया उनको, मैंने ये नहीं सोचा कि वो सोनिया गांधी वो बड़ी हैं। आप किस तरह के डिस्कोर्स में ले जाना चाहते हो? माननीय मोदी जी हमारे पार्टी के बड़े आदमी हैं, पार्टी टिकट दी तो ओम बिरला जो है इस कुर्सी पर बैठे, यदि उनको पैर छू के भी प्रणाम कर लेते ओम बिरला जी तो उस कुर्सी की ताकत कम नहीं होती। आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है, और यदि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में नहीं पता है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। आज आप 98 में हो, अगले चुनाव में आपको जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी मौका नहीं मिलेगा। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। फ्रांसिस जॉर्ज रूल, विल यू प्लीज कोट द रूल? 352 नेम वॉज टेकन ऑफ आवर लीडर और कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उनको बरी किया गया और उसके बाद उनको भ्रष्टाचारी यहां पे कहा जा रहा है, तो इट शुड बी एक्सपंज्ड। कोर्ट द्वारा ओके नेम बेल मिला है, नेम विल बी और उनपे आरोप सीधे तौर पे बोला गया है कि आरोप उनपे तय नहीं होता।